है जिताओ जी, कोई गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा। राज भैया, राखी भेजूंगी तो एक आप पहन लीजिएगा। आई नो भाई नहीं पहनेंगे, बट आप कोशिश करके उन्हें पहना दीजिएगा। इंदुदास जी, दादी सबका ख्याल रखती है, लेकिन आप दादी का ख्याल रखना। क्या ना, डॉक्टर की सुनती नहीं है, अपना ही चलाती है। एक्सट्रीमली सॉरी, छोटी हूं, नादान हूं, इसलिए बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन आई एम सॉरी, अपना ख्याल रखिएगा। ये माफी के लायक नहीं है, अभी इसे कभी माफ नहीं करेगा। प्रज्ञा कभी माफ नहीं करेगा इसे। हम में से कोई भी इन दोनों को माफ नहीं करेगा। प्रज्ञा इस बात को समझ ले अच्छी तरीके से। एक तो सब डायलॉग खत्म हो रहा है, ऊपर से हिंदी बोल बोल के हमारा जबान ही टेढ़ा गया है। मैं क्या क्या ही बोलूं? देखिए, आप लोगों का ही खून है, फितरत बदलता है लेकिन खून रंग नहीं बदलता। वक्त आने पे खून ही काम आता है। और आज तो काम आया ही है, आपकी बहू को घर ले आए ये लोग। देख प्रज्ञा, देख, तू इन दोनों को लेके मुझसे बहस मत कर। अभी इसे नहीं रखेगा और हम भी इसे नहीं रखेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे इसे। वो रखेंगे रखेंगे, क्योंकि मैं जानती हूं ना, उनका दिल तो उनके गिटार से भी बड़ा है। जब बजेगा तो प्यार की धुन सुनाएगा। ठीक है, 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 ठीक है। तुम कह रही हो तो मैं भी हो, तो मैं भी हो, तो मैं भी हो, तो मैं भी हो, तो मैं भी इसे घर में रहने की परमिशन दे रहा हूँ।